गाइस, आज मैं आप लोगों को रुद्र का पूरा मॉर्निंग विंटर रूटीन दिखा रही हूँ। ये वीडियो एक्चुअली 2 महीने पहले ही बन गई थी, बट चूंकि मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ इंटरनेट इशू रहती है हमेशा, तो ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी व्लॉग भी नहीं बनाया है रुद्र का प्रॉपरली मॉर्निंग रूटीन की। 4 साल के बच्चे का मॉर्निंग में रूटीन क्या होना चाहिए और हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ। बट फाइनली अब मैं उसका ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा और अपने बेस्ट विशेज जो है अपने मेरे बच्चों के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। कुछ बुरा लगे या कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज़। तो आइए गाइज़, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी रुद्र को उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिकॉज उठने से पहले इसको हाफ एन आवर होता है कि इसको थोड़ा कडल करो, प्यार करो, तब जा कर के जनाब उठते हैं। तो बस अभी वही चल रहा है। एनी भी साइड में सोई हुई और वो भी एडवाइस कर रही है कि मम्मा रुद्र को सोने दो, मत उठाओ। अब रुद्र उठ चुका है, तो अब उसको उठते के साथ जो सबसे पहले चाहिए होता है वो है थोड़ा वार्म वाटर। शुरू से ही है रुद्र का कि उठते के साथ उसको पानी चाहिए होता है, तो हमने यही सोचा है कि मॉर्निंग उसको थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर ही देंगे उठते के साइज। आप ज़रूर अपने बच्चे को वाटर दीजिए, वाटर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्मी है तो आप थोड़ा कोल्ड वाटर भी दे सकते हैं, विंटर्स है तो आप ल्यूक वार्म वाटर दीजिए, बट दीजिए ज़रूर। अब चूंकि ये पानी पी चुका, तो हम बेड पर ही एक्सरसाइज करते हैं आइज़ के लिए। हैंड को इस तरह से रब करते हैं और रब करने के बाद अपने आइज़ पे स्लोली स्लोली लगाते हैं। इससे क्या होता है ना कि आइज़ में एक वार्मनेस सुबह सुबह मिलती है, जिससे कि हम उठने उसके बाद रुद्र ब्रश करता है, और ब्रश हम कीको का ब्रश यूज़ करते हैं रुद्र के लिए फ़िलहाल, और ममा अर्थ का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम। तो रुद्र अभी फ़िलहाल खुद ही ब्रश करता है, बस लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं इसको फिर से कर देती हूँ लास्ट में। अब ये खुद से ब्रश करने लग गया है तो ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। और ब्रश करने के बाद बस मेरा ये होता है कि थोड़ा सा इसका मुंह अच्छे से साफ कर दूँ, क्योंकि वो इससे अभी नहीं हो पाता है। ब्रश करने के बाद है ना गाइज, मैं इसको इसके फेस पे शेयर बटर लगा देती हूँ, बिकॉज ताकि इसका फेस थोड़ा सॉफ्ट, ड्राइनेस जो होती है मॉर्निंग की वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुरंत ये नहाता नहीं है, 12, 1:30 बजे ऐसे करीब नहाता है। इसलिए अब मैंने इसका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया, जिसमें मैंने 1 गिलास दूध में 1/2 टीस्पून मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैं इसमें पीडियाश्योर डाल दूँगी, बिकॉज अभी रुद्र को पीडियाश्योर ही पीना अच्छा लग रहा है। वो हमेशा चेंज करते रहता है, कभी कॉम्प्लान, कभी बॉर्नविटा, और अभी पीडियाश्योर इसका है। और 1 चीला मैंने बना दिया है इसका, पता नहीं वो कितना खाएगा इसमें, बट अभी फ़िलहाल मैंने 1 चीला और सॉस रखा है इसके लिए ब्रेकफास्ट में। इसका मूड होता है, कभी कहेगा मैं खुद खा लूँगा, और लेकिन आज इसका मूड है नहीं मम्मा आज आप खिलाओगे, तो आज मैं खिला रही हूँ इसको। वैसे इसके मूड पर डिपेंड करता है, कभी है कि ये नॉर्मल ऐसे ही खा लेगा, कभी नहीं हमें मुझे टीवी देख के खानी है, तो थोड़ा बहुत चलता है बच्चे को पैम्पर, उतना नॉर्मल है। गाइज, आप चीला की जगह पे कभी इडली, कभी कोई पराठा, कभी दलिया, जो भी आपके बच्चे पसंद करें आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, बस हेल्दी होना चाहिए। कभी कभी आप पूरी पराठा भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी ऐसे ही चेंज कर करके अपने बच्चे को। कभी ब्रेड जैम भी आप दे सकते हो, बट आप देखना कि वो आटा ब्रेड हो, मैदे वाला कम यूज़ करना चाहिए गाइस। अब इसने अपना मिल्क भी फिनिश कर ही लिया है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है, तो इसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है।
ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद रुद्र थोड़ी देर कोई एक्टिविटी करता है, कुछ भी जो भी उसका मूड हो। जैसे आज इसको पजल बनाने का मन कर रहा है, ये इसका क्रिसमस गिफ्ट था। इसके भी बहुत सारे व्लॉग डाले हुए हैं गाइस, तो आप चाहे तो देख सकते, वीडियोस डाले हुए हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इसमें 5 से 6 एनिमल्स का दिया हुआ पीसेस दिए हुए हैं और आपको सभी को मिला करके और एक एनिमल रेडी करना है। तो एनी भी बहुत इंजॉय करती है इसको, रुद्र भी करता है, दोनों। तो इस टाइम पे हम यही करते हैं थोड़ी देर मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चा उठते के साथ ना और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर मैं इसको कहूँ कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लो तो नहीं, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी रुद्र की ना छुट्टियाँ चल रही है यहाँ पे कश्मीर में, ना सब कुछ बंद है तो उसकी छुट्टियाँ चल रही है अभी। बस थोड़ी देर पजल करने के बाद हम बस अपने पीछे के साइड में, बैक साइड में हम थोड़ी देर रुद्र को ले जाते धूप में, धूप में रहता है। बट यहाँ पे अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखो मैंने लहसुन लगाए, हमारे लहसुन का खेत है छोटा। अभी 12:40 हो चुका है गाइज, और इस टाइम पे रुद्र थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेता है इस टाइम पे। और फ्रूट्स के साथ साथ ये बॉब बुक मैंने ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। बॉब बुक ये बहुत अच्छी छोटी छोटी स्टोरी बुक है, जिसमें आप बच्चे को रीडिंग करना सिखा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश सिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो रुद्र फ्रूट्स खाते खाते इस टाइम पे ये सारा बुक की रीडिंग देता है। एनी भी काफ़ी इंजॉय करती है इस टाइम पे। तो अभी हमारा बस यही चल रहा है गाइज। आप लोगों को लग रहा होगा गाइज कि विंटर है तो फिर मैंने इसको कैप नहीं पहनाया है, सॉक्स नहीं डाले हैं। इसका रीज़न है गाइज क्योंकि हमने पूरे घर को गर्म करके रखा है, रूम हीटर लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है, तो फिर कहीं से भी ठंड है नहीं। अगर इसके ऊपर अगर मैं कैप पहनाऊँगी या फिर सॉक्स डालूँगी तो फिर बच्चा काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करेगा। बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर किया हुआ है हमारे पूरे क्वार्टर का। और जो हमारा क्वार्टर दिया हुआ है गाइस, इसके सारे दीवार में थर्मोकोल डाला हुआ है। अब इससे क्या होता है ना कि पूरा जो है ठंड अंदर नहीं आ पाती है, थर्मोकोल डाला हुआ है पूरे दीवार में और उसके ऊपर से प्लास्टर किया हुआ है। तो इसलिए बस अभी फ्रूट्स बच्चे खा रहे हैं, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और अब 1 बजने वाला है, अब रुद्र नहाएगा। अब इसके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से,